Welcome to Simply Lakshmi's Life. Hey guys, welcome back to the channel. तो बताइए कैसे हैं आप सब. आशा करती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड बहुत अच्छे हैं और हम भी बहुत अच्छे हैं. सो एक हफ्ते के बाद मैं फिर से अपना ब्लॉग शूट कर रही हूँ. मतलब जो रेगुलर बेसिस का एक रूटीन है वो मेरा स्टार्ट हुआ है. और मतलब क्या बताओ, एक हफ्ता मतलब जैसे स्पेंड किया है ना मैंने, अभी मेरा कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा है. लेकिन फिर भी ये एटेची को मैंने खाली किया है, सूटकेस को और जो कपड़ा वगैरह था, और साथ में अतनु का भी सूटकेस था उसको भी खाली करना पड़ा. तो जो भी कपड़ा वगैरह था आधा मैंने वॉश करने के लिए वॉशिंग मशीन में डाल दिया है और बाकी बहुत सारा लॉन्ड्री बैग में पड़ा हुआ है. सो जो भी हो, हर बार की तरह इस बार भी मैं कुछ पूजा का सामान लेके आई हूँ. ये जो साड़ी है ना, इस बार मैंने एक रेड कलर का, रेड एंड येलो ऑरेंज कलर का एक साड़ी लिया है माँ दुर्गा के लिए. क्योंकि हर साल दुर्गा पूजा में ना मैं साड़ी माँ दुर्गा को देती हूँ, तो इसीलिए मैं जब भी जाती हूँ लेके रख देती हूँ. मतलब बाई चांस बाद में भी गई तो ठीक है, अगर नहीं जाना हुआ तो. वैसे साल में तो ज़्यादा मतलब एक बार ही जाना होता है मेरा, बट इस बार सोच रही हूँ जाने का, लेकिन पता नहीं क्या होगा क्योंकि अतन अभी तो गए नहीं ना. तो अतन अगर जाएंगे तो हो सकता है कि हम लोगों का भी जाना हो जाए साथ में. और मैंने पूजा के लिए ना ये तो माला लिया है. ये पिंक कलर का था ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा. मैंने अपने राधा कृष्ण जी के लिए लिया है और मैं घर में पूजा कराऊंगी तो उसके लिए भी मैंने लिया है. सामान होता है दो गामछा बोलते हैं ना, मतलब कलश में देने के लिए. और मैंने ये लिया है, ये ना ये मुझे लगता है छोटा पड़ जाएगा. ये ना मैंने शिव जी का जो लिंग है ना, शिवलिंग, उसको रखने के लिए ये वाला बाउल लिया है. छोटा पड़ जाएगा क्या? नहीं, हो जाएगा ना. हो जाएगा, वही मुझे डाउट था. बट वहां पे ना एक छोटा सा शिवलिंग था, मैंने रख के देखा था, पर अभी मुझे लग रहा है कि मेरा घर वाला थोड़ा नहीं, ठीक है, हो जाएगा ना. तो इसको रखेंगे सोमवार को और इसको साइड में रख देती हूँ. ये मैं काफी दिनों से सोच रही थी लाने के लिए और मुझे लकीली ना शॉप में मिल गया. नहीं तो ये ना सुसुनिया बोल के जो एक जगह है ना, वहां जाना पड़ता है. और ये मेरे पास जो है ना वो थोड़ा सा मतलब बीच का जो पोर्शन है थोड़ा सा मतलब हाँ अच्छा नहीं है, तो हिलता रहता है. और हाँ, ये मैंने बहुत ही प्यारे से एक चीज लिया है. क्या पता है? पता मुझे. ये लक्ष्मी पूजा के लिए मेरा मैंने लिया है. इसके अंदर जो धान होता है ना, धान रखना है. और इसके लिए मैंने ना कुछ कोड़ी बोलते हैं वो लिया है. और ये मैं बाद में शेयर करती हूँ. और कुछ मैंने सिंदूर लिया है और लिया है ये एक्चुअली जो कलश है उसके ऊपर देने के लिए आम के पत्ते. और ये है एक कोकोनट छोटा वाला. और ये मैंने कुछ छोटे छोटे ना चांद माला बोलते हैं ना, पूजा में लगता है वो लिया है. मैं छोटा बोल रही थी तो ज्यादा ही छोटा दे दिया. ठीक है. और मैंने लिया है ये मिट्टी है जो मैं रंगोली बनाती हूँ ना, वो खोड़ी मिट्टी बोलते हैं. सो ये है, इसके अंदर है ये पोंचो सोसो, मतलब जो पूजा के टाइम ना ये चाहिए होता है मुझे, तो मैंने ये दो पैकेट ले लिया है. इटा फोड़ दो. और मैंने ये लिया है, हाँ ये कोड़ी इसको बोलते हैं ना, तो ये उस इसमें मैं स्टिक करूंगी इसके ऊपर. तो ये मैंने कुछ ले लिया है कोड़ी. और मैंने लिया है लाल वाला कपड़ा, येलो वाला कपड़ा. मैंने लिया है ये सत्यनारायण की पांचाली बोलते हैं ब्रोतो कथा, सत्यनारायण ब्रोतो कथा. ये माँ लक्ष्मी की ब्रोतो कथा, मतलब लक्ष्मी पूजा के टाइम मैं पढ़ती हूँ. मेरा पुराना वाला जो है ना वो थोड़ा सा फट गया है, तो फट जाने मतलब जो फट जाता है ना उसको नहीं यूज़ करते, तो इसलिए मैंने लिया है. मैं सरस्वती पूजा के लिए भी ढूंढ रही थी बट मुझे नहीं मिला. ये ऐसे फट गया क्या? এরকম কাঁচ যদি পাওয়া যায়
और ना ये वाला फोटो मैं लेके आई थी, इसका ऊपर का जो कांच था ना वो टूट गया है, बट पूरा निकाल लेने के बाद ना ये अच्छा लग रहा है। ये जब भी मुझे जो भी कुछ याद आ रहा है ना मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, क्योंकि चीज़ों को ना मैंने निकाल लिया था। और ये ना ये कुछ ऐसा है, इसमें ना वो सिबलिंग में पानी डालने के लिए मैंने ये लिया है, ये वाला। ये ना एक्चुअली क्या है, ये मैंने दो लटकन लिया है ब्लैक कलर का। ये मैं एक सलवार, ब्लैक कलर का मेरा सलवार सूट है, तो उसके पीछे मैं इसको लगवाऊंगी और उसके बाद ये कैसा लग रहा है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ऐसा ना बहुत सारा कलर था, जैसे रेड वाला, रेड, ब्लैक और गोल्डन कलर था। तो मेरी भाभी बोली थी कि आप गोल्डन कलर ले लो, तो हर किसी के साथ आप पहन सकते हो, मतलब किसी भी मतलब ड्रेस के साथ या ब्लाउज के साथ पहन सकते हो। बट वो ना बंदा इतना टाइम लगा रहा था निकालने में, ये एक्चुअली उसका ना ऐसे फंस गया था, तो बहुत टाइम लगा रहा था और शाम भी हो गया था, तो मैंने बोला चलो जो मिल रहा है वही दे दो मुझे, तो ये मैं लेके आई। और ना छोटे मोटे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी थोड़ा थोड़ा करके। और ना मैंने एक नोज़ रिंग लिया है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये मेरे पास ना यहाँ पे बैंगलोर पे ना मैं जब भी गई हूँ, सो ये जो मुझे चाहिए वो नहीं मिलता है, मुझे ना एकदम से छोटा वाला चाहिए होता है। मेरा जो नाक के जो मतलब छेद है ना वो बहुत ही नीचे है, तो बड़ा वाला कुछ पहनती हूँ ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। एकदम छोटा वाला नोज़ रिंग लिया है, ये वाला। ये ना एकदम एक वाइट स्टोन में है, एक्चुअली ये पहनती नहीं हूँ क्योंकि मेरे नाक में ना बहुत पेन होता है, तो मैं बहुत दिनों से ऐसा ढूंढ रही थी और जब भी मैं जाती थी ना तो मेरे दिमाग से निकल जाता था। इस बार मैंने मतलब याद करके लिया है। सो ये वाला जब भी मैं ये पहनती हूँ ना मेरा फेस एकदम से चेंज हो जाता है, और ये बहुत ही छोटा है, शायद अभी ठीक ठाक आपको देखने को मिलेगा। सो ये ना एकदम से छोटा है। और एक मैंने लिया है ये वाला, ये एकदम गोल्ड का, इसमें कोई स्टोन नहीं है, ये एकदम एक डॉट है ये इस टाइप का। और ये कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताना, मेरे फेस के ऊपर कितना मतलब सूट कर रहा है ये, क्योंकि ये शायद मैं इस टाइप का पहली बार पहन रही हूँ। मेरे पास एक नोज़ रिंग है जो मेरे भैया ने मुझे दिया था बहुत साल पहले, तब कृति बहुत छोटी थी, तो वही मेरे पास था। बाकी जो मेरे पास था वो उसका ना ये स्टोन निकल जाता था, तो इसके लिए ना मैं कभी लेती नहीं थी। और हाँ, मेरे लिए मेरी मम्मी ने क्या शॉपिंग किया है, जब भी मैं वहाँ पे जाती हूँ ना तो मम्मी इस टाइप की जो ज्वेलरी होती है ना, जो सिटी गोल्ड का होता है, ये वाला मम्मी ने शॉपिंग किया है मेरे लिए। ये एक बड़ा सा लॉकेट है, उसके साथ ये चेन है। सो कैसा रहा मेरा इस बार का गोल्ड शॉपिंग ज़रूर बताना। और ये लॉकेट मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को कैसा लगा? और मेरे ऊपर ये कितना सूट कर रहा है वो भी मुझे बताना, तो इसको मैं कंटिन्यू करूँगी। तो चलिए बाकी चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, थोड़ा बहुत जो भी मैं लेके आ सकी हूँ, क्योंकि अकेले ना मेरा था कि मैं ज़्यादा सामान नहीं करूँगी। एक ही मैंने सूटकेस किया था, उसके अंदर सारा सामान मैंने डाला और मेरा एक बैकपैक था, तो उसी में मैंने सारे सामान भर के लेके आई मैं, और ज़्यादा कपड़ा वगैरह मैं लेके नहीं जाती हूँ। तो चलिए बाकी का जो भी कुछ मैंने शॉपिंग किया वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। और ये ना घर से मैं बोड़ी लेके आई हूँ, मम्मी ने बना के रखा था। मम्मी ना लास्ट टाइम भी बना के रखी थी बट लेके आना भूल गई थी, सो बोड़ी को मैंने लास्ट टाइम बहुत मिस किया था। इस बार मैं लेके आई हूँ। घर का जो बोड़ी होता है ना उसका फ्लेवर बहुत अच्छा है, मतलब सब्ज़ी में अगर आप डालो तो मम्मी ने बोला है थोड़ा सा इसको धूप दिखा देना, तो मेरे बालकनी में तो बहुत अच्छी तरह से धूप आता है, तो मैं यहाँ पे धूप में रख दूँगी। और साथ ही साथ इसको ना बोलते हैं पुनको साग, जो अतनु का बहुत ही फेवरेट है, मतलब अतनु का स्पेशल रिक्वेस्ट था कि कुछ लाओ या ना लाओ पुनको साग ज़रूर लेके आना। और ये है ड्रम स्टिक, जो कि इसी टाइम मिलता है, मतलब बाद में अगर आप जाओ तो आपको नहीं मिलेगा। और बैंगलोर पे जो मिलता है ना वो बहुत ही मोटा मोटा सा होता है, तो ज़्यादा मुझे यही अच्छा लगता है। और ये ना हम लोग इसको ना आम शॉट तो बोलते हैं, मतलब
मैंगो को एकदम ड्राई करके रखा जाता है, मतलब आप होल ईयर इसको स्टोर कर सकते हो। सो ये मेरी मदर इन लॉ ने दिया है और ये मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बनाया था तो मैंने उनसे सीखा भी कि कैसे बनाते हैं, और आज मैं बना के अतनों को खिलाऊंगी क्योंकि अतनों ने मिस कर दिया है। सो इसको ना थोड़ा सा गर्म पानी में मैंने भिगो के रखा था, उसके बाद इसको थोड़ा सा पीस लिया है इसी तरह से, और थोड़ा सा हल्दी सॉल्ट और चीनी डाल के इसको जस्ट उबालना है। थोड़ा पानी पानी रहेगा तो ज़्यादा टेस्टी बनेगा, तो इस तरह से मैंने इसको बना लिया है। और बनाया है ड्रमस्टिक करी, बहुत ही सिंपल सा बोड़ी डाल के, जो कि बहुत ही हल्का मसाला वाला जो पतला सा एक करी होता है ना, वो मैंने बनाया है। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी भी होता है ये। कैसा लग रहा है? मस्त। वहाँ का सब्जी सुपर सुपर टेस्टी आ रहा है इसका। अतनु ने डिसाइड किया है कि कैसे कैसे खाएंगे, दाल के साथ ये वाला चटनी, आम की चटनी दाल के साथ, उसके बाद पुनका साग पोस्तो, नहीं उसके बाद डाटा झोल दिए भात, रात में पुनका साग पोस्तो। अच्छा, मतलब लास्ट में जो अच्छी चीज होता है वो लास्ट में खाया जाता है। और कृति कैसा है अभी तबीयत? अच्छा। और सिम्बा को देखो, ये अभी घूम रहा है इधर उधर, खाना पीना हो गया। देखो ये, हाँ वो पापड़ खाता है कृति के साथ। सिम्बा पापड़ पार्टनर कृति का, हाँ झपाक कर नहीं लो। Hey guys, good evening. और अभी हम लोग रेडी होके कहाँ जा रहे हैं? होली का शॉपिंग करने। यस। एक्साइटमेंट नहीं है किसी के क्योंकि आज क्या हुआ ना, कोई एक्साइटेड होगा नहीं क्योंकि हम लोगों ने बहुत कुछ प्लान किया था, बट सडनली हमारा जो पाइपलाइन है जो कनेक्टेड है एकदम एक्वागार्ड से, पानी का, पीने का जो पानी का कनेक्शन है उसके साथ, वो थोड़ा सा मतलब जाम हो गया था, तो इसी वजह से ना उसको ठीक करने के लिए सुबह से अतन उसके पीछे लगा पड़ा है। और खाना खाते खाते हम लोगों का भी बहुत लेट हो गया था और पीने का पानी बिल्कुल नहीं था, इसी चक्कर में खाना बनाना भी थोड़ा लेट हो गया। पानी ऑर्डर किए फिर जाके खाना पका। हाँ, तो ये सब के चक्कर में अभी दोल का मतलब होली का एक्साइटमेंट फिलहाल तो है नहीं, अब आएगा थोड़ा, अब जैसे शॉपिंग करने जाएंगे तब आएगा धीरे। हाँ। और यहाँ पे ना हम लोग कलर लेने के लिए आए हैं, एक्चुअली होली खेलना और साथ में पूजा के टाइम भी हम लोग भगवान जी को आबी जो होता है वो देते हैं, तो इसलिए मैं आई हूँ होली से एक दिन पहले शॉपिंग करने के लिए। और काफ़ी भीड़ था, जब मैं नेटिव गई थी ना वहाँ पे मैंने देखा था, वहाँ पे प्राइस बहुत ही कम था, वो होता है ना हमारे उस साइड पर प्राइस बहुत कम रहता है, तो कृति बोल रही थी मैं वहाँ से लेके आऊँगी, मैंने बोला नहीं मुझे लगेज ज़्यादा नहीं करना है, तो इसीलिए मैंने बोला था वहाँ जाकर ही हम लोग खरीदेंगे। मैंने रोंजू के लिए लिया था उस टाइम, मुझे मतलब प्राइस जो है मुझे पता था कि बहुत ही चीप प्राइस था, और यहाँ पे प्राइस डबल से भी ज़्यादा है, तो वो चीज़ तो एक रहता ही है यहाँ पे। অনেক বেশি জল আছে। ওইখান থেকেই তো, এই তো ওই তো। और ये सब देख के ना मुझे ही खरीदने का मन कर रहा है, ये वाली जो पिचकारी है मुझे बहुत अच्छा लगा, बट कृति ले नहीं रही है, उसको अपना पसंद चाहिए और मुझे ये वाला चाहिए। Thank you.
और मार्केट से आने के बाद हम लोग सिम्बा को लेके गए नीचे, थोड़ा सा उसको वॉक करना पड़ता है, मतलब उसके बाद उसको भूख लगती है। जैसे चिकन राइस उसको खाना बहुत पसंद है तो खा लेता है, बट दूसरा जैसे जिस दिन कर्ड राइस उसको देती हूँ ना तो उस दिन उसका खाने का बहुत नखरा रहता है। আর একবার বলিলে খাইবো।